मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ कॉर्नफ्लेक्स की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये वीडियो मैंने स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाई है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स, एक कप दूध, आधा कटोरी पिसी हुई चीनी, एक चम्मच देसी घी, दो बादाम और दो काजू बारीक कटे हुए, थोड़ी पिसी इलायची। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी के जार में डाल लेंगे और साथ ही हम ये काजू बादाम जो कटे हुए हैं ये भी डाल लेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। खोल के देखते हैं, कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से पिस चुके हैं, अच्छा सा इसका पाउडर तैयार हो गया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और गैस को धीमा कर देंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद उसमें हम दो चम्मच कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर डालेंगे। और इसको हम एक दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से भून चुका है, बस हमें इतना ही भूनना था इसे। अब इसमें हम एक कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे लगातार एक दो मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि कॉर्नफ्लेक्स दूध में अच्छे से पक जाए। कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से दूध में पक चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी है ये हम डाल देंगे, एक चम्मच, दो चम्मच और ये आधी चम्मच और। इसे डाल के हम एक मिनट तक ऐसे ही खुले में पका लेंगे। ये खीर बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और पौष्टिक खीर है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। छोटे बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स की खीर बनके तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।